एनआईए का मोस्ट वांटेड और बीएफआई का ट्रेनर याकूब खान उर्फ उस्मान उर्फ सुल्तान को आज बिहार एटीएस की टीम ने मोतिहारी से गिरफ्तार कर लिया है। उस्मान की गिरफ्तारी एटीएस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पिछले एक साल से एनआईए की टीम इसके पीछे लगी हुई थी, लेकिन यह फरार चल रहा था। कुछ दिन पहले ही इसी के एक खास सदस्य मुमताज अंसारी को एटीएस की टीम ने ही तमिलनाडु से गिरफ्तार किया था, उसे गिरफ्तार करके लाई थी। इसके साथ ही मोतिहारी से तीन बड़ी गिरफ्तारी इस एनआईए की टीम के द्वारा जो बिहार पुलिस को सौंपी गई थी, उसकी गिरफ्तारी बिहारी एटीएस की टीम ने की थी। आपको बता दें कि पिछले साल जुलाई के महीने में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार पटना दौरे के कुछ देर पहले ही ये पूरा एपीएफआई का नेटवर्क का खुलासा हुआ था और पटना के फुलवारी शरीफ से कई गिरफ्तारियां हुई थी। यह खुलासा हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यस्थल में हिंसा फैलाने की साजिश रची गई थी। इस मामले की जांच बाद में एनआईए को दी गई थी और एनआईए पिछले एक साल से इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही थी, लेकिन मोतिहारी के ये तीन जो खास सदस्य थे वो फरार चल रहे थे। याकूब खान और उस्मान और सुल्तान खास आरोपी था, क्योंकि इसका मोतिहारी के चकिया में पीएफआई के सदस्यों को ट्रेनिंग देते हुए एक वीडियो भी काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था और बताया जाता था कि याकूब खान हथियारों से लेकर कई बम बनाने के जो ट्रेनिंग होता है वो पीएफआई के सदस्यों को देता था और इस काम में उसके साथ मुमताज अंसारी भी शामिल था। हालांकि दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसके साथ ही एनआईए और बिहार एटीएस को बड़ी उपलब्धि भी हाथ लगी है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज 24।